BFF स्टूडियो बेस्ट फैशन फॉर एवर जीन्स टॉप लोबर टी शर्ट हुडीज इंडो वेस्टर्न जैकेट्स एवं गर्ल्स वियर की आकर्षक श्रृंखला हमारा पता है गौर मूर्ति कोतवाली रोड चौरसिया मंदिर के पास सागर। जब जब देश पर संकट आए तब तब देश के महान सपूत आर्मी जनरल बिपिन रावत ने ऐसी रणनीति बनाई कि पाकिस्तान के नापाक इरादे नेस्तनाबूत हो गए। बीते दिनों हेलीकॉप्टर क्रैश होने से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ उनकी पत्नी और 11 सैन्य अधिकारी एयर पायलट भी शामिल थे जो काल के काल में समा गए। जैसे ही देश को उनकी मौत की खबर मिली देश दुखी हो गया। उनके लिए जगह जगह आत्मा की शांति के लिए लोग सड़कों पर आकर मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। आज सागर में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष यस अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव सिरोठिया ने मोमबत्ती जलाकर अपने वीर सपूत जनरल बिपिन रावत जी को विनम्र श्रद्धांजलि दी। पता है परसों के दिन हमारे तीनों सेना के प्रमुख श्री बिपिन रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सैनिकों की एक हेलीकॉप्टर हादसे में दुखद निधन उनका हो गया है। तो आज हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वैभव पवार जी के आह्वान पर हम सभी युवा मोर्चा के साथियों ने आज यहाँ तीन बत्ती पर उन सभी आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था। हमारे बीच हमारे जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष बड़े भाई गौरव सरोठिया जी हम लोगों के साथ उपस्थित रहे। सभी युवा मोर्चा के हमारे साथियों ने आज उन सभी के लिए श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित की है। परसों के दिन जैसा कि एक बहुत ही दुखद घटना हमारे भारत के अंदर हुई, हमारे देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख BDS श्री बिपिन रावत जी उनकी धर्मपत्नी, बहुत ही दुखद घटना हम सभी भारतवासियों के लिए है। इसलिए आज सागर जिले के अंदर सागर में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित हम लोगों ने ये श्रद्धांजलि देकर तीन बत्ती पर आज उन सभी 14 लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हम सभी यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी कार्यकर्ता बनो, हम सभी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें सद्गति प्रदान करें। कहते हैं कुछ ऐसा करो कि देश हमेशा याद रखे। आज बिपिन जी भले इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी देश की सुरक्षा में लिए गए निर्णय और देशभक्ति के जज्बे को इस जमाने में सदैव याद किया जाएगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज भी इस वीर सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।